दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना समय पढ़ाई में अधिक देता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगती है। जब कोई छात्र कक्षा में उच्च प्रदर्शन करता है तो अध्यापकों की रुचि एवं सहानुभूति उस बच्चे के लिए बढ़ जाती है। 3 से 4 घंटे पढ़ाई को देने के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थिरता आती है और उसे ध्यान केंद्रित यानी मेडिटेशन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादा पढ़ाई करने से व्यक्ति जल्दी परिपक्व एवं समझदार हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रकरण को जल्दी और अस्थायी रूप से याद करने के लिए उसे समझकर पढ़ना अधिक लाभदायक हो सकता है। नोट्स बनाकर किसी प्रकरण को पढ़ने से हम ज्यादा समय तक उन बातों को याद रख सकते हैं। स्टडी को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु बीच बीच में 10 से 15 मिनट तक का हमें आराम करना चाहिए। किसी प्रकरण को अधिक विस्तृत और अस्थायी रूप से सीखने के लिए उसे पढ़ते समय उसका मस्तिष्क में दृश्य बनाना अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति आराम की अवस्था में पढ़ाई करता है उसे 20 से 25 मिनट में नींद आ जाती है। पढ़ाई करते समय अगर नींद आए तो हमें कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, ऐसा करने से अधिक समय तक नींद नहीं आती। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।